मैं हूं पूजा नायक, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं महात्मा गांधी। बच्चों, आप सभी महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते ही हैं। इस पाठ में सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा मिलेगी। पाठ में आने वाले कठिन शब्द को देखते हैं। आज़ाद मतलब स्वतंत्र, शर्मिला लज्जाशील, सताना तंग करना, झूठ असत्य, निरीक्षण जांच, हिज्जे वर्तनी, इशारा संकेत, ठीक मतलब सही, बुद्धू मूर्ख, संकट कष्ट, कर्ज मतलब ऋण, सोना स्वर्ण, मापी क्षमा, हिम्मत धैर्य, सजा दंड, आदत अभ्यास, आंसू अश्रु। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। देखिए बच्चों, समय बहुत अनमोल है, हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ काम करना चाहिए। उन्हें काम से काम था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए, उनमें से एक शब्द था कैटल। बालक गांधी ने इसके हिस्से गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिस्से देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिस्से की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा न लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया, मतलब नकल नहीं किया। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। तो देखिए, हमें यहाँ सीखना चाहिए कि कभी भी किसी का देखकर नहीं लिखना चाहिए। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए, अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। हमें भी सत्य बोलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, चाहे वह कितना ही कष्ट क्यों ना आए। झूठ कतई बोलना नहीं चाहिए। एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। समझ गए ना बच्चों, हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। बच्चों,
इस चित्र को देख रहे हैं ना? हाँ, गांधी जी कभी भी बुरी बातें नहीं बोलते थे, ना कभी बुरा देखते थे और ना कभी बुरा सुनते थे। आप लोग भी अच्छे गुणों को अपनाकर सही मार्ग पर चलिए। धन्यवाद।